नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। देश भर में नए हिट एंड रन कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस हड़ताल के चलते कई जगह पेट्रोल पंप भी अब सूखने की कगार पर आ गए हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश के ट्रक ड्राइवर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल में लगातार फ्यूल टैंकरों के ड्राइवर भी शामिल हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की आपूर्ति पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि लखनऊ सहित तमाम जिलों में जो है पूरे प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप सूख चुके हैं, यानी कि पेट्रोल की भारी किल्लत जो है देखने को मिल रही है और उसके चलते लोगों की लंबी लंबी कतारें भी इस वक्त पेट्रोल पंपों पर लगती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है। नए कानून के विरोध में ट्रक डंपर और बस चालकों ने जगह जगह बसें रोक दी हैं और इसके चलते न केवल लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आने वाले समय में इसका असर दैनिक जरूरतों से संबंधित चीज़ों की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। हड़ताल की वजह से पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हुई है और इसके अलावा एटीएम में कैश का संकट भी अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख सकते हैं। कानपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, बांदा, मथुरा और एटा से ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार हड़ताल जारी है और कह सकते हैं कि सड़कों पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, बसों की कतारें देखने को मिल रही हैं और इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई परेशानी का अगर सबसे बड़ा अगर परेशानी किसी को उठानी पड़ रही है तो आम जनता को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो सहूलियत से जुड़े हुए साधन हैं वो कहीं ना कहीं बंद हैं, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पर आना है, वो जानकारी नहीं कि इतनी भीड़ क्यों है। पेट्रोल पंप है उसमें पेट्रोल नहीं है। बस भैया हड़ताल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी गाड़ी नहीं आ पा रही है जो टैंकर, उस वजह से अगर ड्राइवरों का हड़ताल हुए तो हम लोग को दिक्कत हो रही है। हड़ताल का मुख्य कारण क्या है, जानकारी है आपको? ये हमको नहीं पता भाई, बताते हैं लोग वही 10,000 का हाजिर उसको सजा हो जाएगी और 10,000 उसको मांगा जा रहा है उससे, ड्राइवर इसलिए हड़ताल पे हैं। ये ट्रकों की हड़ताल की वजह से है जो कि गवर्नमेंट ने लगाया है कि 10 लाख का जुर्माना हिट एंड रन के, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, सही चीज़ है। भैया परिवार का कोई सदस्य है सड़क पर चल रहा है, अगर वो हिट एंड रन के केस के मामले में एक्सपायर हो जाता है तो गवर्नमेंट ने सही कानून लागू करा, इसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें सब सहयोग करना चाहिए। भैया ट्रक आ ही नहीं है तो माल आ नहीं रहा पीछे से, तो फिर यहाँ जाम तो लगेगा ही, क्या करें, इतनी देर खड़े हैं। कितनी देर से हो गए? 10 मिनट तो हो ही गए, अभी तो खड़े हैं। समीर, ड्राइवर हड़ताल पे हैं और उसके बाद सीधा सा असर जनता में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे मौजूद है लखीमपुर खीरी जिले के सिंघाई थाना इलाके के अयोध्यापुरा गांव के पास पेट्रोल पंप पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ है, लगातार लोग डीजल पेट्रोल अपने वाहनों में भरा रहे हैं। यहाँ पे डीजल खत्म हो चुका है, कई लोग वापस जा रहे हैं। ईंधन की आपूर्ति जो चैन है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं, जो वाहन चालक हैं, उनके लिए काफी बड़ी समस्या है। तो निश्चित ही समीर समस्या जो है वो गहराती हुई नजर आ रही है और कह सकते हैं कि हड़ताल से अब हाहाकार भी मचना शुरू हो गया है। लोगों का क्या कुछ कहना है, जो पेट्रोल पंप में जो भीड़ है लोगों की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो ड्राइवर हड़ताल पे हैं, ऐसे में जो डीजल पेट्रोल के टैंकर है वो भी बंद हुए हैं, उनके ड्राइवर भी हड़ताल पे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है वो तो पूरी तरीके से ठप होती नजर आ रही है। इसी को लेकर लोग चिंता में हैं कि उनका जो आवागमन है, जो अपने वाहन से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खेती किसानी के जो काम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसी को देखते हुए, अग्रिम संकट को देखते हुए उन्होंने अपना डीजल पेट्रोल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लोग सुबह से यहाँ डीजल पेट्रोल भरा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, कई लोग यहाँ पे डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे डीजल खत्म हो चुका है, सुबह से पेट्रोल के लिए लोग आ रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं। जी जी बताइए, नोएडा से क्या कुछ नजारा है, क्योंकि लगातार अगर बात करते हैं संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त पेट्रोल पंपों पर लगती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ नजारा है नोएडा का? सतीश बिल्कुल सब बता रहे, जिस तरीके से जो सरकार के निर्णय कानून व्यवस्था बनी जा रही है, तो कानून को लेकर जो है जो ट्रांसपोर्टर है और जो ट्रक ड्राइवर वगैरह है उनके अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो नए कानून जो बनाए गए हैं, तो ट्रक चालक जो है जो 10,000-15,000 की नौकरी करते हैं, जिस तरीके का चालान का जो निकाला गया है कि 10 लाख रुपए चालान देना पड़ेगा और उसको 10 साल की जेल भी हो सकती है, तो उसको देख उसको लेकर जो ट्रक ड्राइवरों वगैरह में है उनके अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। सारे ट्रक ड्राइवर जो
ट्रांसपोर्टर है उनके अंदर गुस्सा है और लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट जो है वहां पे खड़े कर दिए हैं, तो उसको लेकर जो है इनके अंदर गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन नियम कानून जो बनाए गए हैं तो उसको लेकर ट्रक ड्राइवरों में काफी गुस्सा है। हम इस समय ग्रेटर नोएडा के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, पेट्रोल डीजल सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर वगैरह है जिन्होंने अपने ट्रक और गाड़ियों को जो है ट्रांसपोर्ट में खड़े कर दिए हैं, ट्रांसपोर्टर जो है वो भी रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की नई गाइडलाइन है जो कोहरे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर मान लीजिए हादसा हो जाता है तो ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर को जो है 5 लाख रुपए 10 साल की जेल भी हो सकती है, तो उसको लेकर जो है ट्रक संचालकों में एक गुस्सा एक आक्रोश देखने को मिला। शोभित, बिल्कुल आक्रोश निश्चित ही देखने को मिल रहा है। रुक करूंगा सीधे कानपुर, कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सारिका, पीछे आपके लोगों की भीड़ नजर आ रही है और कह सकते हैं सुबह से ये भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि नए कानून को लेकर लगातार कह सकते हैं कि देश भर में नए कानून को लेकर जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कानून है उसको लेकर लगातार हड़ताल जारी है और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत को लेकर लोगों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। सुबह से ही पेट्रोल पंप पर जो है लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और इसके बीच में लगातार ड्राइवरों की हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। और इसी बीच हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जाकर लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनिए। ड्राइवरों की स्ट्राइक के बाद ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ठप हो चुका है, उसका इस तरीके से असर पड़ रहा है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है पेट्रोल लेने के लिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम परमट के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ लोग अपने वाहनों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं ड्राइवर जिस तरीके से अपना ये स्ट्राइक जो है बढ़ा रहे हैं उससे लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ना शुरू हो गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाहे फोर व्हीलर की बातचीत हो या फिर टू व्हीलर की बातचीत हो, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कत हो रही है, आप लोग क्यों भीड़ लगाए हैं? मैम यही है दिक्कत है, जो गाड़ी नहीं आ पा रही है डीजल वाली, और डीजल गाड़ी में नहीं है, उसी चक्कर में हम लोग भरवा रहे हैं गाड़ी। तो क्या डर लग रहा है जो आज आप लोग इतनी संख्या में आ गए? डर इसलिए लग रहा है कि कल को पेट्रोल टंकी खुले कि ना खुले, अब हम लोग को जाना पड़ता है ये लोगों को मेरे, तो क्या होगा क्या पता नहीं इसके लिए। अच्छा, ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर ली है, आप भी एक ड्राइवर है, क्या लगता है उनको न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मैम, उनकी स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। क्या कहेंगे सरकार इसके लिए? कुछ नहीं कहेंगे सरकार के लिए, हम जो कुछ है सही है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आए हैं और बातचीत का दौर जो है लगातार जारी रखेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का लगा, पेट्रोल पंप में जो लोग हैं उनकी कतार लंबी लंबी बढ़ती चली जा रही है और लोग जो है पेट्रोल पंप के लिए आ चुके हैं, पेट्रोल के लिए होड़ मचाए। किस लिए आप यहाँ पर आए, काफी लंबी भीड़ लगी है पेट्रोल लगवाने के लिए आए हैं गाड़ी में। अच्छा, क्या आपने सुना है जो आप पेट्रोल लेने के लिए आए हैं? कुछ नहीं, गाड़ी में नहीं था तो डरवाने आए इसके। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जिस तरीके से ड्राइवर जो है स्ट्राइक करे हुए हैं, आपको क्या लगता है आज जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही, रोज तो रहती नहीं है, तो क्या सोच कर पेट्रोल लेने आए हैं? 3 दिन बंद रहेगा। आपने ये सुना है कि 3 दिन बंद रहेगा, क्यों? हड़ताल लगा लूंगी। ड्राइवरों की हड़ताल है और कहीं ना कहीं उसके कारण जो है लोगों को ये कहा गया है कि 3 दिन तक की पेट्रोल पंप बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं आ पाएगा। तो बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप पेट्रोल दे रहे हैं, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि 3 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा, इस समय पेट्रोल की क्या स्थिति है? हमारे पास पेट्रोल आदमी लाइन से कहते हैं लेता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आदमी हमको डालने का मौका नहीं देती, भीड़ लगाए हुए है। लोगों का कहना है कि बंद रहेगा? बंद अभी नहीं है, जब तक तो मेरे पास रहे तब तक हम लोग पेट्रोल देगा, और गाड़ी आ रही मेरे पास मगर आदमी मान ही नहीं रहा, क्या किया जाए बताए। आदमी कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल कल भी मिलेगा, परसों मिलेगा, रोज पेट्रोल मिलेगा, मगर आदमी ले तब तो खूब मिलेगा भैया, तो मिलेगा। तो देखिए जो पेट्रोल मालिक हैं या जो देने वाले हैं वो कह रहे हैं मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, क्या सुना है आपने, आप भी यहाँ पे पेट्रोल लेने आए हैं? सब लोग कह रहे हैं कि जो है बंद होने वाला है 3 दिन के लिए, तो हम भी भरवा ले रहे हैं, टंकी खाली है। मतलब सब लोगों ने कहा, लोग आए, ये भी सर आए हैं, सब लोग भरवाने आए। आपने भी सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट में स्ट्राइक हो गई है, तो क्या ये सही है और आपको लग रहा है कि इसका फर्क पड़ रहा है? देखिए मैम, पढ़ना तो चाहिए, जितने रूल्स बनेंगे उतने अच्छे से जो है आगे का मतलब प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर आप भी पेट्रोल लेने आए हैं, क्या सुना है और क्यों पेट्रोल लेने आए हैं?
मैंने कुछ सुना नहीं है, मेरा पेट्रोल खत्म था इसलिए लेने आया हूँ, और कोई रीजन। आपने नहीं सुना कि ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है, ड्राइवरों की स्ट्राइक चल रही है। देखिए बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ये सुनकर आए हैं कि पेट्रोल पंप बंद रहेगा, और उसके बावजूद यहाँ पर आए हैं। काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए लगातार आ रहे हैं। पेट्रोल लेने के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप पेट्रोल लेने आए हैं, क्या सुन के आए हैं? पेट्रोल लेने आए, हमको आवश्यकता थी पेट्रोल लेने आए, लेकिन सुना कि आज पेट्रोल नहीं मिल रहा। वैसे भी मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो आज तो मुझे भरवाना ही था। अब चूंकि ये तो आप देख ही रहे हैं कितना मास्क लगा हुआ है यहाँ पे। ड्राइवरों की हड़ताल चल रही, ट्रांसपोर्ट ठप हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कि ये सही है और उनको न्याय मिलेगा? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, मनमानी करना अलग की बात होती है। जो अभी तक कानून 500 का डाल देना, 500 हाँ बने हुए थे, उनको अचानक इस तरीके से परिवर्तित कर देना, मुझे अधिवक्ता की राय में तो अच्छा नहीं लगता है। आप पहले इससे आप पब्लिक की राय लेते, कानून विदों की राय लेते, अपने कानून मंत्रालय की राय लेते। अनावश्यक कोई कानून किसी पर भी थोप देना, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए लोगों को समस्या भी हो रही है, आपको क्या दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए भीड़ में लाइन लगाए हुए, सवेरे आधे घंटे के बाद तेल मिला है। क्यों, ऐसा क्यों? हालांकि डेली टाइम पे मिल जाता है। हड़ताल के चक्कर में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसके चक्कर में हम लोग का रोज का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अच्छा, ट्रक की हड़ताल के कारण आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, ना रोजी है ना रोजगार है, कहीं जाने के पैसे नहीं है, कोई सवारी वाला बैठालता नहीं है, कुछ हम लोगों को कोई हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी धक्के खा रहे हैं, वहाँ भी धक्के खा रहे हैं, आम पब्लिक है लाइन लगाए धक्के खा रही है। तो ट्रक वाले सही है या फिर सरकार सही है? अरे ट्रक वाले सही, दोनों को मिल के समझौता करके अपना काम करना चाहिए, ताकि हम लोग को रोजमर्रा की दिक्कत तो ना हो। आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, और आपने सुना है कि ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है? जी, इसीलिए हम लोग डीजल भराने आए कि भरा लें, पता नहीं मिलेगी ना मिले। ऐसा क्यों, जबकि कहा जा रहा है कि डीजल पर्याप्त है? अब पता नहीं भाई, भरा ले, दिक्कत हो दे, किसको मालूम क्या बात है। तो आपको लगता है कि ड्राइवर सही है या फिर सरकार सही है? ड्राइवर सही है, सरकार गलत है। तो सरकार उनकी मांगे मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए, उनकी मांग पूरी करना चाहिए। ड्राइवरों की हड़ताल के पास कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर अब भीड़ देखने को मिल रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी है? क्या बोले, हमको तो अभी किसी ने बताया कि पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ है, मेरी गाड़ी में डीजल नहीं था तो मैं वही डलाने आया हूँ, तो आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ। ऐसा कहा जा रहा है ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, उसके 10 डेज की हड़ताल है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टैंकर्स को आएंगे नहीं, अब कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है इतनी। तो क्या लगता है, सरकार को मांगे माननी चाहिए? अब ये तो इस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। तो लोग जो हैं उनको अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट ठप होने के कारण। देखिए, मैं फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम से कहूंगी कि एक बार पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाएं, जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ वाहन और वाहन सवार लोग हैं, और यहां पर जो पुलिस है वो भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि किसी तरीके से इस रोड पर जाम न लगाया जाए और ना ही पेट्रोल पंप पर जो वाहन है वो खड़े हो सके। पुलिस के साथ साथ पेट्रोल पंप प्रशासन भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि पेट्रोल लेकर वो अपने रास्तों पर वापस जाए और यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी ना होने दे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट ठप होने के बाद जो समस्याएं हैं आम जनता को झेलनी पड़ रही है, उससे किसकी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सारिका गुप्ता, जीएमडी न्यूज़।